हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.3। इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.2 में डिफरेंशिएशन करना सीखा था कि कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है फंक्शन कोई दिया हो तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट है लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस का। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो देखते हैं क्या है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस। सबसे पहले आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने जो इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था 5.2 में वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। मतलब अगर हम किसी फंक्शंस को ऐसे लिख पाते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में, अगर कोई फंक्शन मिल रहा होता है हमें, मतलब y अलग होता है और y एक फंक्शन होता है सारा x की टर्म, इधर के साइड जो होती है सारी x की टर्म्स होती हैं। जब हम ऐसे एक्सप्लेन कर पाते हैं ईजिली फंक्शन को तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, अगर हम ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हमें y निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होती है या नहीं निकाल पा रहे होते, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल लाइक एस x प्लस साइन एक्स वाई प्लस y इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये y निकालना ईजी है लेकिन साइन x और y, यहाँ से y कैसे निकालेंगे, साइन के एंगल में से हम y कैसे निकालेंगे, एक y इधर है एक y इधर है, ये दोनों में से कॉमन लेना बहुत ही डिफ़िकल्टी का काम है, हम इसको नहीं करेंगे यहाँ पर कि हम y को पहले अलग करें। y हम यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन नहीं फॉर्म कर सकते, दैट्स why दिस फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। और भी एग्जाम्पल है लाइक एस x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a, ऐसा कुछ भी। अब यहाँ से y कॉमन निकालना या x अलग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट ही का वर्क हो जाता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है हमको इसको सेपरेट करना, या हम कर ही नहीं पाते, तो इसीलिए पहले हम सेपरेट करें फिर डिफरेंशिएट करें। तो एक नया ही मेथड आता है कि हम डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब कैसे करना है, अभी हमने जो इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था अभी तक हमें मिला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लाइक एज ऐसे मिलता था, कोई क्वेश्चन दिया होता था हमें डिफरेंशिएट करना होता था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। अब ये जब एक्स एक्स में है सारा फंक्शन तो हम इसको y इज इक्वल्स टू एफ एक्स ले लेते थे और इसको डिफरेंशिएट कर देते थे, या फिर y इज इक्वल्स टू ऐसा कोई फंक्शन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस टाइप का कुछ भी मिलता था तो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ये सारे हमारे पास कैसे फंक्शंस हैं, एक्सप्लिसिट टाइप के फंक्शंस हैं। लेकिन अब हमारे पास आने वाला इम्प्लिसिट फंक्शन, उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, डायरेक्ट dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का कांस्टेंट का 0। तो अभी तक ऐसे डिफरेंशिएशन करते थे। अब अगर हमारे पास ऐसे ये वाले एक्सप्लिसिट की जगह इम्प्लिसिट फंक्शंस आ जाते तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं x प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट लगा देंगे, डिफरेंशिएट एज इट इज़, एल एच एस आर एच एस में दोनों तरफ एज इट इज़ डिफरेंशिएट, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स तो बन नहीं पा रहा, तो हम क्या करेंगे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स जो कि वन होता है हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता तो भी उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाता। तो यहाँ पर आ गया, अब इसकी वैल्यू वन हो गई, अब इसमें कैसे होगा, अब साइन एक्स वाई है तो यहाँ पर क्या लगेगा, हमारे पास साइन एक्स वाई दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ पर हम इसका सेपरेट करेंगे लाइक एस साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, साइन का डिफरेंशिएशन अब मैंने बताया था कि कैसे करते हैं, सपोज ये कैपिटल एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो दैट विल बिकम कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई, लेकिन ये एक्स तो नहीं था ना, इसका कैसे करेंगे अब एक्स वाई का, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं,
प्रोडक्ट रूल एक्स और वाई दो डिफर मतलब कि दो डिफरेंट फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। पहले हमने साइन एक्स का किया कॉस एक्स, ये कैपिटल एक्स इमेजिन करके जो बताया था मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, और यहाँ पर अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इनका प्रोडक्ट रूल का मल्टीप्लीकेशन। एक्स पहले एक्स को एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस अगली बार y को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 और ये dy वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों से हम क्या करेंगे, dy वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और बाकी की वैल्यू एक साइड भेज देंगे, दैट विल बी दी आंसर। बाकी एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उससे पहले प्लीज़ मेक अ नोट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है इन सब का dy बाई डी एक्स। अब मैंने बताया इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, अब इसको इजीली कर सकते हैं हम। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2x और y इज इक्वल्स टू, सेपरेट कर पाए ना हम साइन एक्स माइनस 2x बाई 3। अब जैसे आप करते हो या तो वैसे कर लो, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 3, बाहर कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2, तो दैट इज दी आंसर। एक तो इस टाइप से कर सकते हैं, अदरवाइज अब देखो ये एक्सप्लिसिटी फंक्शन है, दिस इज नॉट इम्प्लिसिट, क्योंकि हम इजिली एक्सप्लेन कर पाए ना। कुछ क्वेश्चन में बहुत टिपिकल हो जाता है तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते, हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डायरेक्ट इम्प्लिसिट फंक्शन में जैसे हमने डिफरेंशिएट किया था, डायरेक्ट करें तो देखो कितना आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3y का 3 इंटू वाई का dy बाय dx इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब dy बाय dx की वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल एज इट इज हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू cos x, पहले ये 2 सब्ट्रैक्ट में जाएगा माइनस 2 और फिर डिवाइड में 1 बाय 3, ऑल्सो सेम आंसर, ठीक है ना। तो हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट है तो हमने पहले एक्सप्लेन करनी है, नहीं तो हम डायरेक्ट भी जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन को करते हैं डिफरेंशिएट, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब देखो वाई का स्क्वायर है कॉस वाई है, यहाँ से वाई को स्प्लिट करना मुश्किल काम है, तो हम पहले वाई निकाल के मेहनत नहीं करेंगे कि पहले वाई निकाल रहे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई स्क्वायर का, पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा 2y। पहले हमने क्या किया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में किया, लेकिन हमें वाई के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना करना है, तो फिर वो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हमने कैसे किया, पहले वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में हम ऐसे भी लिख सकते थे, अभी बताती हूँ, इक्वल टू कॉस वाई का माइनस साइन वाई, इसका मतलब ऐसे ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर, हमें कैसे करना है डी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होता है, वाई के रेस्पेक्ट में, मैं अलग से बता देती हूँ, डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स। कैसे किया हमने, पहले तो डी वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पर चेन रूल लगाया, फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखो डी वाई कट जाएगा तो वही बचेगा ना, हमने पहले वाई स्क्वायर का किया डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जो वाई है उसका किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y और ये वाला एज इट इज dy बाई डी एक्स। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। तो यही हमारा मेथड है कि मैंने ये आंसर डायरेक्ट कैसे लिखा, मैंने इसी को इमेजिन करके लिखा, क्योंकि वाई स्क्वायर का वाई का तो एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, लेकिन वाई स्क्वायर का कैसे होगा, वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, जैसा कि चेन रूल में होता है। तो हमने पहले वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में किया तो 2y और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमने अप्लाई किया यहाँ पर। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर
बस dy by dx को सेपरेट कर लेंगे यहाँ पर और हमारा आंसर आ जाएगा dy by dx is equals to माइनस का साइन y. अब ये साइन y था, यहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट dy by dx यहाँ पर भी आएगा. क्यों? क्योंकि पहले साइन y, हमें y का डिफरेंशिएशन पता है y के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है, तो पहले दिस इज अ फंक्शन ऑफ y, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो सकता है dy by dx, लेकिन ये तो y का फंक्शन है ना, तो पहले इसका y के रिस्पेक्ट में इंटू y का x के रिस्पेक्ट में, जैसे भी बताया चेन रूल, पहले इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में जो कि माइनस का साइन y आया, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो ये आया है हमारे पास. अब dy by dx कॉमन लेने के लिए ये 2by, इसको मैं इधर लेकर आ रही हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि dy by dx कॉमन लेना है और इक्वल टू माइनस का a, ये a को उधर ले गए क्योंकि इन दोनों में dy by dx है ना, तो कॉमन लेना होगा हमें dy by dx. अब dy by dx कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी क्या बचेगा 2by plus sin y dy by dx इक्वल टू माइनस का a, तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a by 2by plus sin y, तो यही आंसर होगा, दैट विल बी द आंसर. प्लीज मेक अ नोट. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड सिक्स्थ. फिफ्थ आप लोग खुद ट्राई करिएगा. तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ. अब ये कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है. अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मैंने बताया दोनों साइड ऐसे ही LHS RHS में डायरेक्ट डिफरेंशिएट हम कर देते हैं, तो करते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट. अब d ओवर dx ऑफ किसका? xy का, प्लस d ओवर dx ऑफ y स्क्वायर, d ओवर dx ऑफ tan x, प्लस y का dy by dx. अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम इन दोनों में क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल. दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, x और y दोनों वेरिएबल है. जब दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है तो हम उनमें क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल. अब दोनों ही वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में. पहले x को एज इट इज रखा, y का x के रेस्पेक्ट में dy by dx, प्लस अगली बार y को एज इट इज रखा, x का हो गया 1, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया. प्लस नेक्स्ट y स्क्वायर का, अभी मैंने बताया y स्क्वायर का, पहले y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y का dy by dx कर देंगे. तो y स्क्वायर का कितना होता है? 2y, और y का करेंगे तो dy by dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, प्लस फॉर्मूले मैं प्रीवियस वीडियो में लिखवा चुकी हूँ, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप, dy by dx. अब देखो हमें dy by dx तीन जगह दिख रहा है, एक ये वाला, ये और ये, तीनों में से dy by dx एक साइड ले जाके कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा दैट विल बी दी आंसर. तो dy by dx पहले इन दोनों में से इसको इधर ले आते हैं, x dy by dx प्लस 2y dy by dx, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का dy by dx, तो ये टर्म बनी और बाकी जो बचा, एक तो y बचा, इसको उधर ले जाएंगे sec स्क्वायर x माइनस का y, सिर्फ y बचा तो y को उधर ले गए, ये सब dy by dx dy by dx dy by dx और sec स्क्वायर माइनस y. अब यहाँ से अगर dy by dx कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2y माइनस का 1, x का कोफिशियंट 2y dy by dx का और ये माइनस 1 कोफिशियंट, तो dy by dx इज कॉमन, सबके कोफिशियंट बच गए ये, और इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का y, और dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी sec स्क्वायर x माइनस का y डिवाइड में x प्लस 2y माइनस 1, दैट विल बी द आंसर. है ना सिंपल? प्लीज मेक अ नोट. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6. अब इसको भी वही इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारा, एक्सप्लेन डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखते हैं कितना आता है. मैं इधर से कर रही हूँ. क्वेश्चन है हमारा 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81. अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो कितना आता है हमारे पास, आ जाएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर.
अब दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, तो दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो डायरेक्ट लगा रही हूँ इस बार मैं, वो डी ओवर डी एक्स करके नहीं लिख रही, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। तो पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अगली बार वाई को एज इट इज रखा एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस अब सिमिलरली एक्स वाई स्क्वायर, फिर से दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, तो फिर से प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर इट इज रखा वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अगली बार वाई स्क्वायर को एज इट इज रखा एक्स का कितना हो जाएगा वन, प्लस ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया पूरा वाई क्यूब। अब वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन बताया पहले वाई के रेस्पेक्ट में, थ्री वाई स्क्वायर, पहले वाई क्यूब का किया वाई के रेस्पेक्ट में जो कि थ्री वाई स्क्वायर आ गया, अब वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो। अब हमें क्या करना है, वही काम, तीन जगह मेरे को डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, के रहा तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, बाकी सबको इक्वल टू की साइड भेज दो और आंसर। तो देखते हैं क्या आता है, पहले डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, एक में है एक्स स्क्वायर, ये है प्लस का टू एक्स वाई और इधर से आएगा थ्री वाई स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया मैंने डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स तीन टर्म में से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो पहले एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, टू एक्स वाई कोफिशियंट एंड थ्री वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमन, बाकी में बचा प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस का टू एक्स वाई एंड देन वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना, सिंपल। अब बस क्या करेंगे, इसको सबको उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे उधर माइनस में, सबको माइनस में ले जाएंगे, माइनस कॉमन लेके हम वापस ऐसे लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में, ये वाला पूरा टर्म डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस का थ्री वाई स्क्वायर, तो दैट विल बी द आंसर, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट, क्या आएगा साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन। अब साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन मैंने बताया हुआ है कैसे करते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसी को थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई एक्स वाई, कॉस एक्स वाई एज इट इज इन टू में के, तो ये एंगल में कॉस एक्स वाई और इक्वल्स टू के। अब साइन वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लिया मैंने, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अब साइन वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या हम इसको कैपिटल एक्स जैसे इमेजिन करें, अगर इसको कैपिटल एक्स जैसे इमेजिन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है टू एक्स होता है, तो दैट विल बी टू साइन वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, तो हम कितना लिख सकते हैं इसको टू, लेकिन ये एक्स तो नहीं था, कितना आ गया टू साइन वाई, ठीक है। और साइन वाई का डिफरेंशिएशन, अब ये एक्स तो नहीं था, ये क्या था साइन वाई, तो हमें साइन वाई का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा कॉस वाई इंटू, अब वाई के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना डिफरेंशिएट करना होता है, हमें तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो जब भी ये ध्यान रखना है हमें, जब भी फंक्शन वाई का मिले तो पहले एक्स के जैसे ट्रीट करके पूरा वाई का फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेना है, लास्ट में हमें डी वाई बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई ज़रूर करना होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया चेन रूल से क्या आ जाता है, पहले पूरे फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है, पहले हमने इसका किया टू साइन वाई एक्स सपोज करके, सपोज ये एक्स है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स की जगह पर लेकिन कौन था साइन वाई, अब एक्स का भी करना पड़ेगा, जिसको भी हम इमेजिन करते हैं मल्टीप्लाई उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन वाई का कॉस वाई, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में खत्म हो जाता है, लेकिन वाई का किसके रेस्पेक्ट में भी करना होगा एक्स के में भी। प्लस अब कॉस एक्स वाई का, अब कॉस एक्स वाई का तो हमें नहीं आता ना, हमें लेकिन कॉस एक्स का आता है, कॉस एक्स अगर सपोज करो ये कैपिटल एक्स लिखा हुआ है तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो वो कितना आ जाएगा माइनस का साइन
एक्स, लेकिन एक्स तो नहीं था ना, जो था वही लिख दिया। अब जिसको इमेजिन करते हैं, अब एक्स वाई को इमेजिन किया, उसका भी डिफरेंशिएशन, उसकी मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन की मल्टीप्लाई, पहले एक्स को एज इट इज रखा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस नेक्स्ट वाई को एज इट इज रखा, एक्स का वन, तो एक्स का हो गया मल्टीप्लाई में वन। दिस इज इक्वल टू, और के, के इज अ कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो। और ये कितना आ गया, इसको हम यहाँ पर नोट करने वाली बात है, टू साइन थीटा कॉस थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, सेम एंगल है टू साइन वाई कॉस वाई, हम उसको लिख सकते हैं साइन टू वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन टू वाई, ट्रिगो की आइडेंटिटी है हमारी साइन टू थीटा की, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो वैसे ही ये थीटा की जगह वाई है, टू साइन वाई कॉस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन टू वाई मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाले टर्म भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो दो जगह डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, दोनों में से कॉमन लो और बाकी सबको एक साइड भेज दो, दैट विल बी द आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, बाकी बचेगा साइन टू वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसको इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो दैट विल बिकम पॉजिटिव साइन एक्स वाई। तो ये आ गया, अब इसका सिंपल डिवाइड, दैट विल बी द आंसर। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई। थारा सिंपल, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखते हैं कैसे। अभी बताया इसको हम सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको भी साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। पहले इसी को ठीक से लिख लिया, अब बिल्कुल अभी बताया इसको अगर हम कैपिटल एक्स इमेजिन करें तो एक्स स्क्वायर का 2x, और ये x का भी फंक्शन है, तो देखो कितना आ जाएगा 2 साइन x। अब जिसको भी इमेजिन कर रहे होते हैं उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x। अब क्योंकि x का फंक्शन है तो हमें dy बाई डी एक्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, dx ओवर dx दैट विल बी इक्वल टू 1, तो प्लस ये यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आता है इसका, अब इसका जैसे भी बताया, पहले तो इसको एक्स स्क्वायर तो कितना होता है 2, ये y मान लिया करो, जो y का फंक्शन है उसमें y ट्रीट किया करो, तो y स्क्वायर का 2y, लेकिन वो y तो नहीं था ना, तो कितना आ जाएगा 2 साइन y, और जितना इमेजिन किया उसको उसका डिफरेंशिएशन साइन y का हो जाएगा cos y, और y का फिर साइन y का हो गया cos y, और y का dy by dx की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जीरो। बस इतना सही तो था, इसको हम सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं साइन टू एक्स प्लस, सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन टू एक्स, ये माइनस मिलेगा और इसको डिवाइड में साइन टू वाई, दैट इज द आंसर। था ना सिंपल, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से स्टार्ट होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसको कैसे सॉल्व करना है, एक डिफरेंट वे है इसको सॉल्व करने का, अभी तक इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, अब हमारे पास आ गया ये डायरेक्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स की ही फॉर्म है, लेकिन अब हमारे पास है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के मैं 2 वेज बता रही हूँ, और एक बताऊँगी जो कि सबसे कन्वीनियंट वे है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको ट्रिगो की आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आता है हमारे पास, टू वेज बता रही हूँ, सबसे पहला है हम साइन इनवर्स को अगर इधर ले जाएं तो दैट विल बिकम साइन वाई इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन को हमने सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया।
अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई, लेकिन वाई का डी वाई बाई डी एक्स। और इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कोशेंट रूल, दो फंक्शंस डिवाइड में है तो क्या लग जाएगा हमारे पास? कोशेंट रूल, तो जो कि आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर। 1 + x² को एज इट इज रखेंगे, ऊपर का जो हमारा न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन तो 2 आएगा माइनस, अगली बार न्यूमरेटर को ऐसे ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 1 + x² का 1 का तो 0 और x² का हो जाएगा 2x। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 + 2x² यहाँ पर 0 में करेंगे तो 0 और ये इसको करेंगे तो माइनस का 4x², तो ये आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम, माइनस का 2x² 2x² माइनस 4x² इज माइनस का 2x² और 1 + x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, 1 - x² 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स, ये चल रहा है cos y। अब ये cos y का डिवाइड और कर दो तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 1 - x² अपौन 1 + x² का होल स्क्वायर और cos y। अब यहाँ पर ये y का फंक्शन में आंसर हम दे रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं y को। अब देखो हमने निकाला sin y इज इक्वल टू इतना, क्या हमें ट्रिगो में हम पढ़ चुके हैं sin y को cos y से कैसे निकाल सकते हैं? अगर sin y दिया हुआ है तो cos y को हम लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू 1 - sin² y। तो cos y की अगर वैल्यू रख देंगे तो वो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। cos y को हम इतना लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - sin² y, क्योंकि हम जानते हैं sin² y प्लस cos² y इक्वल टू 1 होता है। तो उससे cos y की वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, sin y की हमें वैल्यू पता है तो रख दो यहाँ पर, कितना आएगा 1 - इसका होल स्क्वायर 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1 - 4x² और यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा कैंसिल 1 + x² माइनस का 1 + x² का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + x² - 4x² डिवाइड बाय, और ये अंडर रूट से बाहर आ गया नीचे वाला होल स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आके हम इसको कितना लिख सकते हैं सिंपल 1 + x² और इसको जब सॉल्व करेंगे तो दैट विल बिकम 1 + x² - 2x² और अपॉन में 1 + x². अब देखो ये भी होल स्क्वायर बन रहा है लेकिन नेगेटिव वाला, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1 - x² का होल स्क्वायर? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो यही आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x². तो ये वैल्यू आ गई हमारी, अंडर रूट में से होल स्क्वायर चला जाएगा तो ये बचेगा 1 - x² 1 + x². तो अगर ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? cos y की, तो cos y की वैल्यू हम ये रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। अब cos y की वैल्यू रखेंगे तो 1 - x² नीचे, क्योंकि cos y नीचे है तो रिवर्स हो जाएंगे और 1 + x² ऊपर। तो देखते हैं ये टर्म कैंसिल हो रही है और एक टर्म ये कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास आंसर आया 2 upon 1 + x². तो दैट इज़ द आंसर। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे है, हम पढ़ेंगे सेकंड वे, मोस्टली वही लगाएंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी ट्रिगो की आइडेंटिटीज़ बस हमें पता होनी चाहिए, वो सिंपलेस्ट वे है। और ये था थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि पूरा सॉल्व करो और मिस्टेक के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक तो ये वे है, इसको नोट करो फिर मैं बताती हूँ सेकेंड वे, प्लीज़ मेक अ नोट। अब हम सेम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं लेकिन एक इजी वे से, तो
तो वही हमें सभी क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है। मैं सारे क्वेश्चंस पे वही अप्लाई करने वाली हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो किया था वो नहीं करूँगी, तो इसलिए प्लीज़ इसे ध्यान से समझकर चलना। नेक्स्ट आता है 9th, वही क्वेश्चन सेम, हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रिगो की आइडेंटिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन 2 थीटा की, क्या हम उसको ऐसा नहीं लिख सकते 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम साइन 2 थीटा को ऐसे लिख के पढ़ चुके हैं, ये ट्रिगो की आइडेंटिटी होती है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, क्या ये एज इट इज़ नहीं दिख रहा हमको, ये भी तो वही लिखा हुआ है ना, बस x की जगह पर हमें क्या रखना है 10 थीटा, तो ये एज इट इज़ बन जाएगा। तो अब हम वही अप्लाई करने जा रहे हैं, वी आर पुटिंग लेट x इज इक्वल्स टू 10 थीटा। तो उसके लिए मस्ट था हमें ये ट्रिगो की आइडेंटिटी का लर्न होना। तो यहाँ पर ये जो इजी वे है, इसको लगाने से पहले आपको सारी ही ट्रिगो की आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, ट्रिगो की जो कि क्लास 11th में हम कर चुके हैं। तो x इज इक्वल्स टू अगर 10 थीटा रखोगे तो देखो ये कितना सिंपल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एज इट इज, ये और लिख सकते हैं हम 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब इसको कितना लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, अब इसको साइन 2 थीटा लिखेंगे तो साइन इनवर्स दैट विल बिकम साइन 2 थीटा, वाई इज इक्वल्स टू, अब साइन इनवर्स और साइन मैंने बताया था ये एक दूसरे से हट जाएंगे, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे तो दैट विल बिकम वाई इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना सा रह गया, और थीटा, अब क्वेश्चन तो हमारा वाई और एक्स में गिवन था ना, ये वाई और थीटा में आ रहा है, तो हमें इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम थीटा इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan को इधर ले गए तो दैट विल बिकम tan इनवर्स x, तो थीटा की वाली वैल्यू रखेंगे तो दैट विल बिकम 2 tan इनवर्स x। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, y इज इक्वल्स टू साइन के फॉर्म में था और हमने उसको छोटा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब हम जब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, पहले हमारा काम था क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, अब हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर दो, एक ही लाइन का डिफरेंशिएशन है, dy by dx is equals to 2 as it is, tan inverse x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए जो कि कितना होता है 1 upon 1 plus x square, तो आंसर आ गया 2 upon 1 plus x square, that is the answer, है ना सिंपल वे, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10th, तो एक तो वही फर्स्ट वे है कि 10 को उधर ले जाओ और क्वेश्चन रूल लगा दो, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम करेंगे सेकेंड वे से, बस उसके लिए ट्रिगो की आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो अगर यहाँ पर हम x इज इक्वल्स टू 10 थीटा सब्सटीट्यूट कर दे तो ये जो आइडेंटिटी है ये देखो कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी अगर क्लास 11th में ध्यान से पढ़ी हुई है तो जानी पहचानी लग रही होगी, हम जानते हैं ये किसकी आइडेंटिटी होती है, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो यही आइडेंटिटीज़ हमें लर्न होनी चाहिए कि हम x को क्या सब्सटीट्यूट करें। वैसे आपकी एक्सरसाइज में सभी में 10 थीटा है, बस लास्ट के दो क्वेश्चन हैं जिसमें साइन कॉस का यूज़ होगा, मोस्टली ही आइडेंटिटीज़ 10 से रिलेटेड होंगी, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंट आता है तो आपको आना चाहिए आइडेंटिटीज़। तो देखते हैं यहाँ पर ये 10 3 थीटा हो गया, y इज इक्वल्स टू तो सिंप्लीफाई होकर कितना रह गया 10 10 हट गया तो ये बच गया 3 थीटा। अभी बताया थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख सकते हैं, कितना आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, लिख सकते हैं ना थीटा को tan इनवर्स x, तो ये बन गया क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स x में, क्योंकि हम y और थीटा में क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, y और x में हमें गिवन था तो हमें y और x में हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया होता और हमने उसको कितना सिंप्लीफाई कर दिया, अब क्या करना है, सिंपल डिफ्रेंशिएट, dy by dx equals to 3 1 plus x square, आंसर
है ना, कितना सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th। बस हमें ये आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, नहीं तो पूरा रूल है आप 10y को इधर लेके जाओ, क्वेश्चन रूल लगाओ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेक अ नोट। सेम फॉर्म में है क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th, 13th, तीनों ही क्वेश्चन सेम है। एक मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th। और हाँ, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एक इंटरवल दिया हुआ है, इसको ये इंटरवल दिया हुआ है। अब जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसने, देखो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ। अब देखो अगर यहाँ पर इक्वल टू लगा होता तो क्या इम्पैक्ट पड़ता, नीचे वाला टर्म ज़ीरो हो जाता, नीचे वाला टर्म ज़ीरो हो जाता। देखो अगर एक्स यहाँ पर इक्वल टू लगा होता दोनों में से किसी में भी, दोनों में से देखो इंटरवल का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरवल ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर अगर इक्वल टू लगा होता तो x की वैल्यू 1/√3 भी हो सकती थी और माइनस का 1/√3 भी हो सकती थी। अगर हम यहाँ पर रखते तो देखो ये कितना बन जाता, tan इनवर्स, सपोज 1/√3 रख रही हूँ मैं, तो 3/√3 माइनस का 1/√3 का होल क्यूब, 1-3, अब √3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3। अब देखो 3 कैंसिल, 1-1 0, तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स इन्फिनिटी। जब tan इनवर्स इन्फिनिटिव बन गया तो हम इसकी वैल्यू कैसे, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इसलिए उसने इस टाइप का इंटरवल हमें देता है जिससे हमारी क्या हो सके, डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करे, वो फंक्शन एग्जिस्ट करे जिससे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे जिससे वो डिफरेंशिएट हो सके, इसलिए उसने वहाँ पर इंटरवल में इक्वल टू नहीं लगाया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट मैं करा रही हूँ 11, 12, 13, तीनों ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 13th इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9th, सेम वही क्वेश्चन है और सभी में 10 थीटा सब्सटीट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th है सेम, मैं करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 11th, जो कि गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1-x² / 1+x², जहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, x इज लाइंग बिटवीन 0 से 1। अब देखो 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन, x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। तो करते हैं वही, x इज इक्वल्स टू फिर से रखते हैं 10 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं ये बन जाएगा 1-10² θ / 1+10² θ, जो कि किसकी आइडेंटिटी होती है, 1 cos 2θ की। y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1-10² θ / 1+10² θ, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स cos 2θ, कॉस कॉस चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू सिंपल कितना रह गया 2θ, थीटा की वैल्यू अगेन यहाँ से, तो हो जाएगी 2 tan इनवर्स x, और बस dy/dx जो कि कितना आ जाएगा 2/1+x². आंसर है ना, कितना सिंपल। तो यही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो ये आता है हमारा आंसर। प्लीज मेक अ नोट। हम साथ ही क्वेश्चन नंबर 12th भी देख रहे हैं क्योंकि इसमें एक नई चीज आने वाली है, तो देखते हैं क्या। वैसे तो सेम है एज इट इज, बिल्कुल यही करना है। x इज इक्वल टू 10θ रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 2θ मिलेगा, 1-10² θ / 1+10² θ, जो कि आइडेंटिटी किसकी होती है, cos 2θ की। तो सेम चीज़ है, x इज इक्वल्स टू 10θ रखेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2θ। अब देखो cos इनवर्स के साथ cos था तो कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 2θ रह गया, लेकिन साइन इनवर्स के साथ cos है तो हम क्या करें। तो इस cos को, बस यही इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 12th करा रही हूँ। तो इस cos को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट कर सकते हैं फिर हम। तो कॉस 2θ को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन π/2 - 2θ π/2। अब देखो π/2 - θ, कॉस π
पाई बाई साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता था, पाई बाई टू वाली लाइन पर से जब हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे, हम पढ़ चुके हैं क्लास इलेवेंथ में अच्छे से, साइन इस लाइन पर जब भी कुछ चेंज होता था, ऐड होता था, सब्ट्रैक्ट होता था, पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता था। अब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा है तो कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब जिस क्वाड्रेंट में गया उसमें ये कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो वो एज इट इज। तो हम कॉस टू थीटा को ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा। यहाँ पे पूरी क्लास इलेवेंथ की हमारी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो ये आ गया है हमारा, यहाँ पर हम देखते हैं पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब साइन चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन कन्वर्ट हो जाता है पाई बाई टू की लाइन में। हमने देखा था अगर कुछ चेंज करते पाई बाई टू या पाई बाई टू प्लस करते, अगर इसको पाई बाई टू प्लस टू थीटा करते साइन, तो देखो साइन पाई बाई टू प्लस टू थीटा किस में जाता, सेकेंड क्वाड्रेंट में, कन्वर्ट हो कि कॉस होता। लेकिन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, माइनस का टू थीटा। अब हमारा माइनस का कॉस टू थीटा थोड़ी ना आया था, हमारा तो प्लस का आया था, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो हम कॉस टू थीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया हमारा इलेवेंथ क्लास की ट्रिगो से दैट। अब साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो दैट विल बिकम पाई बाई टू माइनस टू थीटा। बस इतना ही तो बचा, वाई इज इक्वल्स टू, वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एलिमिनेट हो गए एक दूसरे से, तो ये बचा पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब वही सेम काम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन, पाई बाई टू इज़ अ वैल्यू, और वैल्यू का यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू, 3.414 टाइप वैल्यू होती है, जिसका डिफरेंशिएशन जो कि कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 2। और यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू रखनी थी, थीटा इज इक्वल्स टू कितना, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। तो पाई बाई टू का 0 और 2 टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर विल बी माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12th। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले प्लीज मेक अ नोट, क्वेश्चन नंबर 13 सेम है 9th की तरह, तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। जहां पर x इज इक्वल्स टू हमें क्या रखना है, 10 थीटा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, जहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है, x इज लाइंग बिटवीन 1 अपॉन रूट टू माइनस का, तो ये हमें गिवन है और हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। तो कितना आएगा, अब देखो इसको क्या सब्सिट्यूट करें, 10 थीटा से नहीं होगा, अब साइन कटना चाहिए। हमने साइन टू थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या ये वही, अगर हम x इज इक्वल्स टू साइन थीटा रख दें तो देखो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एज इट इज। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 x को मैंने क्या रखा, साइन थीटा, और ये बना अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, का अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो वो सिंपल कितना रह जाएगा, कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये किसकी है वैल्यू, कॉस थीटा की, और ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो एक आइडेंटिटी ये लगी कि ये कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है जो कि अंडर रूट से बाहर आके कॉस थीटा रहेगी। एक आइडेंटिटी यहाँ लगने के बाद अभी एक आइडेंटिटी यहाँ लग रही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन साइन कैंसिल तो दैट विल बिकम 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इस बार कितनी आएगी, 10 इनवर्स नहीं आएगी, अब आएगी साइन इनवर्स x, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो ये वैल्यू रख देंगे 2 साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन मैं लिखवा चुकी हूँ, दैट इज द आंसर, है ना, सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14th। सेम आता है क्वेश्चन नंबर 15th इज ऑल्सो सेम, करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th, y इज इक्वल्स टू हमें गिवन है sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो sec है, sec की फॉर्म है, तो अगर नीचे cos जैसा बन जाए ऊपर जाके वो sec ही बनेगा ना,
तो मेन चीज़ है नीचे कॉस की आइडेंटिटी बननी चाहिए, और हमने हमें कॉस टू थीटा जैसी आइडेंटिटी लग रही है। देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज कॉस टू थीटा, होता है कि नहीं? हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, पढ़ी हुई कि नहीं? तो वन अपॉन कॉस टू थीटा रहेगा तो ऊपर जाके वो सेक टू थीटा बन जाएगा कि नहीं? तो सेकेंड वर्सेस सेक तभी कैंसिल होगा ना, तो हम क्या लगा सकते हैं? अब हमें क्या रखना पड़ेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा रखना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा रखेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसको आइडेंटिटी से कितना लिख सकते हैं, सेक इनवर्स वन अपॉन कॉस टू थीटा, जो कि ऊपर जाके कितना हो जाएगा, sec इनवर्स sec टू थीटा, sec sec कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, टू थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स x, टू cos इनवर्स x। अब क्या रह गया, कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स, जिसका मैंने बताया हुआ है cos इनवर्स x का, बस माइनस का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। बस साइन वाले में पॉजिटिव होता है, कॉस वाला नेगेटिव होता है। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 5.3। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।